और यू नाइन क्लास आज का हमारा नाइन क्लास का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला और व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मोलेक्युलर फॉर्मूला. तो आज हमने सबसे पहले जो है इन दो फॉर्मूलों को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. Empirical formula is defined as it is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. किसी भी compound में जिसके जो atoms हैं उनके जो atoms के दरमियान में सादा तरीन जो ratio है that is its empirical formula. For example, we have silica or silicon dioxide. The chemical formula of silicon dioxide is SiO2. अब इसके एटम्स के दरमियान में हम सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो हमारे पास सिलिकॉन के वन एक एटम है और हमारे पास जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के हमारे पास दो एटम्स हैं. इनको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, मजीद सिंपल फॉर्म में इसको हम डिवाइड हम इसको नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा दैट इज SiO2. इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है glucose, the empirical formula of glucose is CH2O. अब ये CH2O जो है, glucose का empirical formula है, हम कैसे derive करते हैं? क्या इसको हम किस तरीके से हम find out करते हैं? We have already read about the molecular formula of glucose. हमें पता है C6H12O6. That is the molecular formula of glucose. अब इसके हमने simplest ratio हमने find out करनी है carbon, hydrogen और oxygen. जब हमने देखते हैं कि ये तीनों किस एक ही जो है इनसे पे जो है वो divide होते हैं, हम देखते हैं कि ये 6 पे तीनों divide हो जाते हैं. उनको 6 पे divide करेंगे सबसे पहले 6, 12 divided by 6 and 6 divided by 6. तो हमारे पास क्या ratio आएगी? 1, 6 ones are 6 and 6 twos are 12. Ratio 2 and 6 ones are 6. तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनके एटम्स यानी ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है दैट इज 1:2:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली. अब मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 1 2 एंड 1 को नहीं कर सकते. सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज सी वन आप लिखें या ना लिखें एच टू एंड ओ. तो इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ग्लूकोज के दरमियान जो इनके एटम्स हैं इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है 1:2:1. सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज सी एच टू एच टू O. CH2O is the empirical formula of glucose. इसी तरह और बहुत सी examples हैं empirical formula की. For example, हमारे पास benzene है. C6H6 is the molecular formula of benzene. अब हम इसको simplest ratio में divide करेंगे. कि इनसे पे इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 पे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि CH इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1. सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH. अब देखें हमारे पास इनके सिंपलेस्ट जो रेशियो में हमारे पास जो आ रहे हैं एक कार्बन और एक क्या है हाइड्रोजन है क्योंकि C6 और H6 था ये दोनों 6 पे डिवाइड हो गए हमारे पास C1 और H1. सो 1:1 इनके जो है वो एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है इस तरह इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा दैट इज CH. इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2. That is the molecular formula of hydrogen peroxide. अब हम इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कैसे करेंगे? हम सी एक इनसे भी इसको डिवाइड करेंगे दोनों दो पे डिवाइड हो जाते हैं ठीक है. अब देखते हैं 1:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:1 है.
अब हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे HO, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में देखें कि एक सिलिकॉन था और दो ऑक्सीजन थे, ये दोनों एक हिस्से पे डिवाइड नहीं होते थे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। सो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो यही होगा। बहुत से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जांपल है, इसी तरह हमारे पास वाटर है H2O। अब वाटर में देखिए हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब ये एक हिस्से पे डिवाइड हो गए, इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो इनके एटम्स के दरमियान है वो 2:1, तो इनका फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज आल्सो H2O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, ठीक है। तो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये ठीक है, पॉइंट्स नहीं होने चाहिए हमारे पास कि 1 point something 2 point something, नहीं, the simplest whole number ratio of atoms present in a compound, एक कंपाउंड के एटम्स के दरमियान जो simplest whole number ratio होगी वो उसका क्या फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसकी एग्जांपल्स हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में दी, ग्लूकोज की फॉर्म में दी, बेंजीन की फॉर्म में हमें दी, हाइड्रोजन परऑक्साइड है हमारे पास और वाटर है, ये सारी हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला की एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वर्ड मॉलिक्यूलर नहीं होता, ये वर्ड हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं MOLECU मॉलिक्यूल, दिस वर्ड इज मॉलिक्यूलर, इसको हम क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of each element present in a molecule of a compound, that is called molecular formula. Actual number of atoms, यानी really उस molecule के अंदर total number of atoms कितने हैं, ठीक है, वो उसका जो formula होगा, उसको उनके atoms के जो actual number of atoms की form में आप लिखेंगे, उस compound के अंदर जो मौजूद हैं, that formula is called its molecular formula. For example, exact number of atoms में water में लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या है H2O, ये इसका molecular formula है। Benzene C6 and H6, that is the molecular formula of benzene. इसी तरह मैं लिखता हूँ glucose C6H12O6, इसका molecular formula है glucose का। इसी तरह हमारे पास NH3, that is the molecular formula of ammonia. इसी तरह हमारे पास O3 triatomic molecules में आए, जब हमारे पास formula में यहाँ पे लिखा water का लिखा, glucose का लिखा, benzene का लिखा, hydrogen peroxide H2O2, that is the molecular formula of हमारे पास hydrogen peroxide, water, benzene, glucose, अमोनिया एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमने इनके कंपाउंड्स के अंदर लिख दिए हैं। तो जब हम किसी भी कंपाउंड के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उस कंपाउंड के अंदर, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन भी यही है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो you are explaining about molecular formula of that compound. और एक और बात important कि molecular formula जो है उसको हम empirical formula से ही derive करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज के empirical formula का पता है तो उसका molecular formula derive करना उस empirical formula से हमारे लिए बहुत आसान है। For example, we have already read about the empirical formula of different compounds. For example, the empirical formula of benzene is benzene का empirical formula है। और molecular formula कैसे हम empirical formula से derive करते हैं, ये हमारे पास equation है, molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n, जो n है हमारे पास, n may be 1, 2, 3, 4 and so on.
कोई भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 सो ऑन। अब ये n क्या है? फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिए, आपके पास हमने ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला DNA है, वो डीआई के ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से C6H12O6, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था ग्लूकोज का। तो हमने इसको किस पे डिवाइड किया, किस एक हिस्से पे डिवाइड किया सिंपलेस्ट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए? हमने देखा कि ये 6 पे तीनों डिवाइड हो जाती है, तो हमने इसको कितने पे डिवाइड कर दिया, 6 पे डिवाइड कर दिया। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आ गई 1 2 एंड 1। सो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या है, 6। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज H2O2। अब इसके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट की, हमने देखा कि ये दोनों दो पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने क्या किया, H2O2 लिखा और इसको हमने दो पे डिवाइड कर दिया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, HO। तो हमने इन दोनों को कितने पे डिवाइड किया है, 2 पे डिवाइड किया है। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो n जो है ये हमारे पास नंबर है जिस पे हम उस कंप्लीट जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन जो है इसका हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है CH। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है और हमें n की वैल्यू मालूम है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने देखा कि बेंजीन के केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 6 है। यहां पे हमने 6 पे डिवाइड किया है इसको, तो n की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH, n की वैल्यू क्या है, 6 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, C और H को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C6H6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास n की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास इसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, CH2O, और n की वैल्यू हमें पता है कि n की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो 6 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, मींस C को 6 से, C6H6 2s are 12 एंड 1 है O, तो 1 6 are 6, C6H12O6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह अगर हमें n की वैल्यू का पता है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला और n की वैल्यू का पता है तो आप इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।